Good morning, students. In this chapter, Rise of Hitler and Nazism, we will discuss about the story of Germany. First World War, as you know, First World War held in 1914 to 1918. In this war, many countries fought. And some of the countries, these countries formed groups. So first of all, groups of these countries were Britain, France, Russia on one side. Later on, USA joined. यानि कि USA की entry पहले नहीं थी, USA ने बाद में join किया. ठीक है, later on USA joined. Versus on the another hand, Germany Hungary Turkey and Austria. Clear? These were the countries mainly who fought First World War and formed different groups. ठीक है, तो UK यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इनको कहा गया अलाइड पार्ट्स. ठीक है, और दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, टर्की एंड ऑस्ट्रिया, इनको कहा गया सेंट्रल पार्ट्स. ठीक है, तो इन्हीं कंट्रीज के बीच में से हमने स्टोरी पढ़नी है जर्मनी की. जब एक कंट्री जो है वो वॉर में हार जाती है, ठीक है, तो उस कंट्री, इससे पहले हमें रशिया का पढ़ा हो ना, तो हमने एक ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ना है जो कंट्री वर्ल्ड वॉर में हार गई थी और उस कंट्री के साथ क्या हुआ. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस द यू कैन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो जब भी हमें डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़नी होती है तो हम जर्मनी की ही डिक्टेटरशिप का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, क्या ऐसा हुआ जर्मनी में, क्यों जर्मनी की गवर्नमेंट हिटलर के टाइम पीरियड में सबसे वर्स्ट गवर्नमेंट मानी गई, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, तो दैट वी विल स्टडी इन दिस. ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन डिफीट का मतलब क्या होता है, जब व्हेन जर्मनी लॉस्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एट दैट टाइम बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ मोनार्की, यानी कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था. ठीक है, मोनार्की एंड किंग ऑफ जर्मनी काइजर, काइजर विलियम वॉज द किंग ऑफ जर्मनी. लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो मोनार्की सिस्टम जो है दैट ब्रॉट डाउन एंड किंग फ्लेड अवे. फ्लेड अवे का मतलब होता है किंग कंट्री छोड़कर चला. एट दैट टाइम जर्मनी की कंडीशन आप खुद सोचो, एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री का रूलर ही कंट्री को छोड़कर चला जाए तो उस कंट्री के लोगों को क्या हो. ठीक है, देन एट दैट टाइम इन द कंट्री मैनी पीपल दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, एंड यू नो इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री एंड इन दीज इलेक्शंस न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट दैट वॉज नोन एज वीमर रिपब्लिक. इसको वीमर रिपब्लिक कहा गया बिकॉज वीमर वॉज अ प्लेस, इसका प्लेस का नेम था. ठीक है, एंड रिपब्लिक क्यों कहा गया, बिकॉज हेड ऑफ द कंट्री वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर टेम्परेरी. ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द कंट्री दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड. टेम्परेरी टाइम पीरियड मीन्स लाइक 5 years. So, after First World War in Germany, which government was formed? That was Weimar Republic. ठीक है? अब आप खुद सोचो कि जब एक नई गवर्नमेंट बनी, जैसे इंडिया को प्रॉब्लम आई थी ना 1947 के बाद, when Britishers left us, and at that time our country was newly independent born country, है ना? Same problem that came in Germany. Germany में भी प्रॉब्लम आई. First World War का जितना भी लॉस हुआ था, एक तो वैसे कंट्री हारी हुई थी और ऊपर से जो नई गवर्नमेंट थी, इस नई गवर्नमेंट को जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी.
दैट वी विल डिस्कस विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि ये जो नई गवर्नमेंट बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। और ये जो है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मीन्स लाइक न्यूली, यानी कि कंट्री जो थी मोनार्की सिस्टम के बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, और इसी प्रॉब्लम्स में से जितने भी हेडिंग्स है ना, ये सारे हेडिंग्स आपको सेपरेट सेपरेट जो है वो टॉपिक्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये सारे हेडिंग्स कंबाइन। ठीक है, तो वेन एवर दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 marks, यू हैव टू राइट ऑल द हेडिंग्स, यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, वट दीज आर हेडिंग्स, जो भी हैं हेडिंग्स है, चाहे ट्रीटी ऑफ वर्साय है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस है, चाहे डिप्रेशन है, तो दीज आर सेपरेट क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट्स व्हाई वी विल स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक वॉज पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय। पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय क्या था? पैलेस ऑफ वर्साय आप सबने सुना है। ठीक है, पैलेस ऑफ वर्साय कहाँ पे था? फ्रांस में था। ठीक है, ये आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, लुई 16, पैलेस ऑफ लुई 16। ठीक है, तो लेकिन हम जर्मनी में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज व्हेन जर्मनी लॉस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर लूजिंग द विनर कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, दीज कंट्रीज इम्पोज हार्श ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मीन्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ, उस एक्सपेंडिचर का कुछ परसेंटेज जो है वो इन डिफीटेड कंट्रीज जो है उनके ऊपर इम्पोज कर दिया, यानी कि लॉस, जितना भी लॉस था वो लॉस अब किनको बियर करना था? डिफीटेड कंट्रीज को। किस सेंस में? वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय, फर्स्ट प्रॉब्लम। अगेन आई एम रिपीटिंग that after defeating in the First World War, when monarchy system was replaced in the Germany, then newly formed government that was known as Weimar Republic, इसको क्या बोलते हैं? Weimar Republic बोलते हैं इसको, है ना? अब इसके बाद फिर हमें discuss करना है कि what were the problems faced by this Weimar Republic? No doubt this was a democratic form of government, and at that time many problems were faced by these Weimar Republic. ठीक है, नंबर वन पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय। इसमें हमें क्या बताना? दिस ट्रीटी वॉज वेरी हार्श। हार्श का मतलब होता है टर्म्स जो थी इस ट्रीटी की बहुत क्या थी? रिजिड थी। ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब क्या होता है? इंसल्टेड, यानी कि जितनी भी टर्म्स थी उन टर्म्स को पढ़ के कोई भी कह सकता था कि जर्मनी की इंसल्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जर्मनी लॉस्ट इट्स मैनी टेरिटरीज। टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? जर्मनी के पास कितनी ही ऐसी टेरिटरीज थी जो जर्मनी के अंडर थी, अब विनर कंट्री से इन टेरिटरीज को ले लिया, जर्मनी से ले लिया, ताकि जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, ताकि इन फ्यूचर जर्मनी कभी भी इन कंट्रीज के अगेंस्ट जो है वो वॉर प्लान ना कर पाए। ठीक है, देन इसके बाद फिर हमने परसेंटेज बतानी थी, 13%। कितने परसेंट टेरिटरीज? 13% टेरिटरीज एरियाज, जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जर्मनी के। ठीक है, देन 75% आयरन माइंस। आप कुछ सोचो कि किसी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस क्या होते हैं? आयरन एंड कोल। तो जर्मनी की 26% कोल माइंस। ऑल दीज एरियाज वर टेकन बाय द विनर कंट्रीज। ठीक है, ये जो एरियाज थे, ऑल दीज एरियाज वर टेकन बाय द विनर कंट्रीज फ्रॉम द जर्मनी। तो ऑटोमेटिकली जर्मनी को लॉस्ट हुआ। ठीक है, लॉस्ट होना था। पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय में हमने क्या बताना है? दैट हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स वर इम्पोज्ड। ठीक है, इसके अलावा ओवरसीज कॉलोनी क्या होती है? यानी कि ऐसे एरियाज, जर्मनी के ऐसे एरियाज जो कोस्टल एरियाज या ओवरसीज का मतलब होता है जैसे ओशंस के आसपास, यानी कि जर्मनी का एक ऐसा एरिया जिसने ओशंस के आसपास के एरिया को कंट्रोल किया हुआ, कुछ कॉलोनीज भी थी। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया को ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया हुआ था ना, ओवरसीज कॉलोनी, ऐसे ही जर्मनी ने भी कुछ एरियाज को अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ। तो दीज कॉलोनीज वर आल्सो टेकन बाय द विनर कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद अब
हमने ये बताना है कि जो एरियाज थे ये एरियाज किन्होंने डिवाइड कर लिए, कौन कौन सी कंट्रीज ने डिवाइड कर लिए मेनली उस टाइम, ठीक है, फ्रांस, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड आल्सो सपोर्टेड विनर कंट्रीज, डेनमार्क, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन कंट्रीज ने इन एरियाज को ले लिया, ठीक है, तो ये हमने बताना है पीस ट्रीटी, पीस ट्रीटी, क्योंकि ये पूरा एक डिटेल में क्वेश्चन है, ठीक है। देन इसके बाद अलाइड पावर्स, अलाइड पावर्स कौन सी है, ये वाली अलाइड पावर्स है, अलाइड पावर्स ने क्या किया, जर्मनी को डीमिलिट्राइज कर दिया, डीमिलिट्राइज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्जर्स को रिड्यूस कर दे, नंबर ऑफ सोल्जर्स वर रिड्यूस, क्योंकि अगर किसी कंट्री को डीमिलिट्राइज कर दिया जाएगा तो इन फ्यूचर वो कंट्री कभी भी वॉर प्लान नहीं कर सकती। पर आप खुद सोचो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हाउ हिटलर ही बिकेम पावरफुल टू स्टार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड। देन 6 बिलियन कंपनसेशन, 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज, कंपनसेशन का मतलब होता है जो खर्चा वर्ल्ड वॉर में जितना भी खर्चा आया, लॉस आया, विनर कंट्रीज को जो लॉस फेस करना पड़ा, तो उन्होंने कुछ परसेंटेज बनाकर जर्मनी को कितना पे करना पड़ेगा, 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी, ठीक है। अब इतना भी काफी नहीं था, अब जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट एरिया था राइन लैंड, दैट वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड, राइन लैंड दैट वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द विनर कंट्रीज, ठीक है, अलाइड पावर्स ने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। अब खुद सोचो कि एक ऐसी कंट्री जो इतनी जो है वो रिसोर्सफुल कंट्री थी, टेरिटरीज, आयरन माइंस, कोल माइंस, इतने इंपॉर्टेंट एरियाज, तो किस तरह से, एक तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर में वो कंट्री हार गई थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनका जो है वो फेम कम हो गया, एंड सेकेंड थिंग उनको लॉस कितना बियर करना पड़ा, ठीक है। ये भी काफी नहीं था, इसके अलावा उनको क्या लगा दिया गया, वॉर गिल्ट क्लॉज, वॉर गिल्ट क्लॉज उनके ऊपर लगा दिया गया। क्या होता है वॉर गिल्ट क्लॉज, गिल्ट, गिल्ट मीन्स जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसकी जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं गिल्ट है हमारे मन में, है ना, तो वॉर गिल्ट क्लॉज, यानी कि इस ट्रीटी में एक क्लॉज का मतलब होता है पैराग्राफ, क्लॉज मीन्स कुछ लाइंस, वॉर गिल्ट क्लॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सारा गिल्ट, यानी कि सारा जो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो भी नुकसान है या जो लोगों का नुकसान हुआ या जो भी प्रॉब्लम्स आई, उसका सारा गिल्ट जो है वो किस पे लगा दिया, जर्मनी के, ठीक है। नो डाउट दीज कंट्रीज आल्सो स्टार्टेड, बट वॉर गिल्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि वॉर का सारा जो है वो एक्सपेंडिचर या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो वॉर में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी उसका लॉस हुआ, वो सारा जो जर्मनी को फेस करना पड़ा, वॉर गिल्ट क्लॉज वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साय, ठीक है। इसमें आपने परसेंटेज बतानी है, एरियाज बताने हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेकेंड फिर वाइमर रिपब्लिक। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्साय का मतलब क्या है कि वेन दीज डेलीगेट्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक, जैसे गवर्नमेंट बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, देन द डेलीगेट्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक वर इन्वाइटेड इन द पैलेस ऑफ वर्साय, तो दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी इज नोन एज पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय, ठीक है। दे वर इन्वाइटेड इन द पैलेस ऑफ वर्साय एंड इट वॉज कंपल्सरी टू साइन ऑन दिस ट्रीटी, क्योंकि पीस तभी मेंटेन होगी, पीस का मतलब क्या होता है कि आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में पीस तभी मेंटेन होगी जब जर्मनी कुछ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कुछ क्लॉज के ऊपर साइन करेंगे, साइन कौन करेंगे, वाइमर रिपब्लिक के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये जो वाइमर रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव थे, इन रिप्रेजेंटेटिव के पास कोई भी अल्टरनेट नहीं था और उन्होंने उन ट्रीटीज के ऊपर साइन कर दिए, बट दे वर नॉट अवेयर कि उनको साइन करना कितना महंगा पड़ेगा। और व्हेन इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिस ट्रीटी वाज साइंड इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हेन दे केम बैक दे वर कंसीडर्ड नवंबर क्रिमिनल्स बाय देयर ओन कंट्रीमैन, बिकॉज जर्मनी के लोगों ने जब ये सुना कि वाइमर रिपब्लिक जो न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उन्होंने जो भी विनर कंट्रीज ने कहा उनको मान लिया और ट्रीटीज के ऊपर साइन कर दिया, तो दैट्स वाई उन्होंने अपनी ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि जो वाइमर रिपब्लिक थी, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर ही एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया और उनको क्या डिक्लेयर कर दिया, क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स क्यों, उनको ये लगा कि ये उनके आगे झुक गए हैं, उन्होंने जो भी इनको कहा वो मान गए हैं, मे बी एट दैट टाइम दैट वॉज अ डिसीजन फॉर देम,
ठीक है, और यही उनके पास अल्टरनेट था. सो एट दैट टाइम व्हेन दे द रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स ऑफ वाइमर रिपब्लिक केम बैक इन देयर कंट्री इन जर्मनी आफ्टर साइनिंग द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय देन दे वर डिक्लेयर्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स. क्रिमिनल्स मतलब दे वर अपोज्ड, ठीक है. क्रिमिनल इन द सेंस मतलब ये नहीं है कि उनको जेल में डाल दिया गया, दे वर अपोज्ड बैडली, ठीक है. और अपनी ही कंट्री के लोगों ने उनको अपोज किया, इट मीन्स दे हैड फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वॉज वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम क्या थी, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय, वॉरगेट क्लॉज, नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है. तो आप इनको अलग अलग भी पॉइंट्स को कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो, ठीक है. फिर when they signed on the peace treaty of Versailles, तो later on यानी कि first world war के बाद 1918 के बाद, फिर 1919, then 1920, 1921, continue years जो थे जर्मनी को compensation pay करना पड़ा winner countries को. अब now think yourself कि how the country will survive. एक country जो है, आप खुद देखो जर्मनी की हालत क्या होगी. एक तो country वैसे ही war में हारी हुई country, ऊपर से कंट्री के इंपॉर्टेंट एरियाज अलाइड पावर्स ने ले लिए. थर्ड, लोगों को अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर फेथ नहीं है, यानी कि जो डेमोक्रेटिक जिसको उन्होंने खुद चुन के गवर्नमेंट बनाया है उनके ऊपर ही फेथ नहीं था, ठीक है. उनको ये लग रहा था कि ये गवर्नमेंट जो है वो विनर कंट्रीज अलाइड पावर्स के हाथ में पपेट बन गए, ठीक है. एंड इसके बाद कॉन्टिन्यू ईयर्स आने वाले ईयर्स में यानी कि 1918 के बाद जो टाइम आया, इस टाइम पीरियड में कॉम्पनसेशन जो है इन द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, दे हैड टू पे टू द अलाइड, ठीक है. और जब एक कंट्री जो है उसको इतना लार्ज अमाउंट में कंपनसेशन पे करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर उस कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगी, लोगों को सफर करना पड़ेगा. और जब लोगों को सफर करना पड़ेगा फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट भी सरेंडर कर देगी. तो ये टाइम कब आया, 1923, ठीक है. पीस ट्रीटी ऑफ वर्साय के बाद कॉन्टिन्यू ईयर्स, दीज वर वेरी प्रॉब्लमेटिक ईयर्स फॉर द वाइमर रिपब्लिक एंड जर्मन पीपल. एंड इसका वर्स्ट ईयर कौन सा आया, 1923, इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, अब हमने 1923 का टाइम पीरियड पढ़ना है कि क्या हुआ. 1923 में क्या हुआ, जर्मनी रिफ्यूज टू पे कॉम्पनसेशन एंड लोन, यानी कि जर्मनी ने जो भी कॉम्पनसेशन विनर कंट्री से इनके ऊपर इम्पोज किया था, सरेंडर कर देना मतलब हैंड्स अप कर देना कि नॉट, मतलब नॉट एबल टू पे द कॉम्पनसेशन. नॉट एबल का मतलब है कि जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ जी वी आर नॉट एबल टू पे, हमारे पास मनी नहीं है, ठीक है. तो ऐसे में अलाइड पावर्स ने क्या किया, एक और एरिया, यानी कि अगर जर्मनी कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा, ठीक है, तो एक और एरिया जो जर्मनी का था, That was an important coal mine area, Ruhr, was taken away. Coal area था, coal area, ठीक है. Already पहले एक Rhineland area लिया था, अब क्या लिया, Ruhr. Coal area was taken away by the Allied powers from Germany because Germany refused to pay compensation. French occupied all the important coal areas from the German, ठीक है. Then in this condition. Already when German government was failed to pay the compensation, अब आप खुद सोचो कि कैसी कंट्री जिस कंट्री में compensation pay करने के लिए तक तो मनी नहीं है, ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर डिवेलप नहीं हुआ, फूड शॉर्टेज थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर डिवेलप नहीं हुआ, फैक्ट्रीज बंद थी, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लगाएगी फैक्ट्रीज के ऊपर, ठीक है. और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सारी इकोनॉमिक कंडीशंस, आपने इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होते हैं, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बस्ट हो जाते हैं. इसमें आपने सारी प्रॉब्लम्स बतानी है. पॉवर्टी मींस पीपल ऑफ जर्मनी वर वेरी पुअर, अनएम्प्लॉयड, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, ठीक है. मैनी पीपल दे फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. दे वर विलिंग टू वर्क बट दे वर नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है. वो काम करना चाहते थे लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा था, ठीक है. देन शॉर्टेज ऑफ फूड, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसमें बताओगे आप. शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू गिव फैसिलिटीज टू फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है. दोनों ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए बिकॉज गवर्नमेंट जो था दैट वॉज नॉट एबल, ठीक है. देन ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में तीनों कंडीशन सिवियर होती हैं, पॉवर्टी भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, शॉर्टेज ऑफ फूड भी थी, और बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, राइज ऑफ प्राइसेस. शॉर्टेज होगी, जब भी शॉर्टेज होगी कंट्री में तो प्राइसेस क्या होंगे,
रेट ऑफ गुड्स विल इंक्रीज, हाई राइज, हाई राइज, हाई राइज इन प्राइसेस का मतलब, हाई राइज इन प्राइसेस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन. ठीक है, जब चीजों के रेट बढ़ जाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. सडन इंक्रीज, और जब चीजों के रेट और बढ़ते रहते, सपोज पेट्रोल का प्राइस एक मंथ में जो है वो क्रॉस कर गया ना 99 क्रॉस कर गया, फिर 100 क्रॉस कर गया, फिर 110 क्रॉस कर जाए, फिर 120 क्रॉस कर जाए, इसका मतलब क्या है? सडन हाई राइजेस, इन्फ्लेशन, मतलब प्राइजेस जो है वो रुक ही नहीं रहे और बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और इस कंडीशन को क्या कहा गया? हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन तो है ही है, लेकिन जब और बढ़ गए प्राइसेस तो उसको क्या कहा गया? हाइपर इन्फ्लेशन. दिस वाज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, अब इकोनॉमिक क्राइसिस में आपने क्या बताना? टाइम पीरियड कहां से शुरू करोगे? 1923. इससे पहले थोड़ा सा बता दोगे कि रीजन क्या था 1923? उससे पहले आपने बता देना है दैट जब भी आपने कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कोई भी हेडिंग, सपोज इस क्वेश्चंस के जितने भी हेडिंग्स है ना, जब भी आप कोई भी हेडिंग स्टार्ट करोगे आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू करना है. सारी स्टोरी आपने वैसे ही बतानी है, क्योंकि रीजन हमने थोड़ा बैकग्राउंड में बताना है ना. इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या बताया होगा? ड्यू टू डिफीटिंग ऑफ जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, देन आफ्टर दिस वाइमर रिपब्लिक वॉज फॉर्म्ड एंड दे हैड टू साइन दिस ट्रीटी ऑफ वर्सायल. ठीक है, आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी व्हेन दे केम बैक वॉर क्लॉज वॉज इम्पोज ऑन देम एंड दे हैड टू पे 6 बिलियन कॉम्पनसेशन. एंड इन द ईयर 1923 they refused to pay the compensation and at that time important area Ruhr was taken back by the allied powers. theek hai, uske baad fir aapne batana hai in the Germany the people or government they had to face extreme conditions, poverty was there, people were very poor, unemployment, government was not able to give them work. theek hai, then fir aapne batana shortage of food was there because government was not able to give concentration on agriculture and industrial sector. ठीक है, फिर आप इसमें क्या बताओगे? दैट ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज एंड दिस कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस कंडीशन लेड टू इन्फ्लेशन एंड देन इट लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन. जब चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहते हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ा? हाइपर इन्फ्लेशन. और ये वो टाइम था 1923 का, वो टाइम था जब गवर्नमेंट, जैसे हम कहते हैं ना इमरजेंसी लग जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब गवर्नमेंट के पास ही मनी नहीं. अब गवर्नमेंट के पास ही मनी नहीं है तो गवर्नमेंट लोगों को क्या जो है वो दे, और लोग जो हैं ऑटोमेटिकली फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनको पैसा नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वैल्यू ऑफ करेंसी, एक और इकोनॉमिक जो पॉइंट बताना है, वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क, करेंसी कौन सी थी? मार्क, MARK, फेल डाउन. करेंसी वैल्यू जो है, मार्क की वैल्यू बहुत डाउन हो गई. डाउन का मतलब क्या होता है? डॉलर के कंपैरेटिवली, यानी कि अगर किसी पर्सन ने डॉलर, $1 भी खरीदना था ना, तो उसको कितने नंबर ऑफ बैग भर के मार्क देना पड़ता था. ठीक है, तो एट दैट टाइम जर्मन की जो वैल्यू थी, जर्मन की करेंसी की जो वैल्यू थी, दैट फेल डाउन. करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम हो गई. तो ये सारे आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स बताने हैं इकोनॉमिक क्राइसिस में. ठीक है, और इस कंडीशन में, मतलब एक इसमें एक टर्म जो है वो आपकी बुक में एक टर्म है, दैट इज प्रोलिटेरियनाइजेशन. क्या होती है प्रोलिटेरियनाइजेशन का? मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका रैंक लो हो जाता है. जैसे सपोज टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स होते हैं. ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ही उनको काम नहीं दे रही है, उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी, तो ऐसे में वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे. कुछ भी करने को तैयार का मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ वर्क, सिक्योरिटी जॉब्स और वट एवर जो भी है. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रोलिटेरियनाइजेशन, टू बिकम इम्पावरिश्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास. जैसे कई बार आपने देखा ना, यहाँ से इंडिया से जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो उनको शुरू शुरू में सेट होने के लिए वहाँ पे लेबर वर्क भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी जॉब भी करनी पड़ती है. मतलब अपना रैंक जो है, जो आपका रैंक है, जो आपका एजुकेशन लेवल है, आप उससे बहुत नीचे चले जाते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशन उस टाइम पीरियड में जर्मन के लोगों को फेस करनी पड़ी. दैट द कंडीशन इज प्रोलिटेरियनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो कि जिसमें आपका रैंक जो है एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत, आपको हर तरह की जॉब, वर्किंग जॉब, लेबर जॉब जो करनी पड़ती है. ठीक है, टू बिकम इम्पावरिश टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास.
लेबर यानी कि कोई भी आपको काम मिले उस टाइम पीरियड में आपको काम करना पड़ता है। तो ये कंडीशन उस टाइम पीरियड में थी इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर आप थोड़ा डाटा इसमें बता सकते हो, लाइक यूएस डॉलर यानी कि एक यूएस डॉलर लेने के लिए पहले पहले तो 24,000 मार्क्स देने पड़ते थे, मार्क्स यहाँ पे मार्क्स मतलब जर्मन करेंसी। फिर धीरे धीरे एक जो है वो डॉलर लेने के लिए 3,53,000 मार्क्स, और अगस्त में तो ये रेट जो है वो बहुत बढ़ गया, और धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि करेंसी जो है ब्रॉड डाउन का मतलब होता है कि करेंसी जो है वो उसकी वैल्यू ही टूट गई। और ऐसे में लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही अल्टरनेट था, फॉरेन कंट्री से लोन लेना। ठीक है, जब एक कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, पैसा नहीं होता, तो अब आप कहोगे कि मैम वो लोग जो है वो नए नोट भी छाप सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट जो है वो नए नोट छापती रहेगी ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब कहने को तो कई लोग कहते हैं कि हाँ जी इंडिया एक पुअर कंट्री है, तो क्या गवर्नमेंट नए नोट छापकर गरीबों को दे दे? तो जब सबके पास ही मनी आ जाएगी ना, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी यानी कि इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी इतनी, जितना मनी ज्यादा होगा ना उतना चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, और ऐसे में इस इकोनॉमिक कंडीशन में ना ये सारी कंडीशन उस कंट्री में आएंगी जिस कंट्री में सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो जर्मनी ने भी ऐसी गलती की, जर्मनी ने फिर क्या किया, प्रिंट करना शुरू कर दिया, करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये जो उनका जो एक्ट था वो बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इसका नेगेटिव एडवांटेज क्या होगा। अल्टीमेटली उनकी कंट्री की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डाउन हो गई कि नोबडी वाज रेडी टू कन्वर्ट द करेंसी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपने बतानी है इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन, दैट इज डिप्रेशन। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है मैंने आपको बताया कि कंट्री के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लोन लेना, और इन द वर्ल्ड नो कंट्री वॉज रेडी टू गिव लोन टू जर्मनी। सबको पता था कि जर्मनी की कंडीशन क्या है। ऐसे में विनर कंट्रीज में से यूएसए, यानी कि यूएसए वॉज रेडी टू गिव लोन टू द जर्मनी, लेकिन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि ऐसे में यूएसए ने क्या किया, जर्मनी को कुछ लोन जो है वो देना एक्सेप्ट किया, बट एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी थी, इसको क्या बोलते हैं, डॉब्स प्लान, DAWES, डॉब्स, डॉब्स प्लान, डॉब्स। उस टाइम जो मिनिस्टर थे ना यूएसए के, उनका नाम था मिस्टर डॉब्स, उन्होंने सजेस्ट किया था, मिस्टर डॉब्स, और उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर जर्मनी को जो लोन दिए गए उसको क्या बोलते हैं, डॉब्स प्लान। डॉब्स प्लान के अंडर जर्मनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया गया ताकि जर्मनी रिकवर कर सके और अल्टीमेटली यूएसए को फायदा हो विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जब किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा मनी होता ना, लाइक अगर कंट्री की बात करें यूएसए के पास, क्योंकि यूएसए जो था ना वर्ल्ड वॉर में बहुत लेट एंटर हुआ था, सिर्फ यूएसए ही ऐसी कंट्री था जो इन सभी में से सबसे लेट एंटर हुआ, और जिस टाइम पीरियड में पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ रहा था, उस टाइम पीरियड में यूएसए अलग था। एंड यूएसए वॉज द, यू कैन से एट दैट टाइम, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन ईच एंड एवरी सेंस, एग्रीकल्चर लेवल में भी, इंडस्ट्रियल लेवल में भी, मनी मतलब जो है उसके कंपेरेटिवली। सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम यूएसए गेव लोन टू मेनी कंट्रीज, और कंडीशंस क्या लगाई, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिस वॉज द रीजन एट दैट टाइम यूएसए हेल्प्ड जर्मनी। ठीक है, तो यहां तक हमने किया इकोनॉमिक क्राइसिस। अब एनी डाउट, द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन जर्मनी, डिप्रेशन का इफेक्ट क्या हुआ जर्मनी के ऊपर, और फिर हम करेंगे डिफेक्ट्स, कुछ डिफेक्ट्स थे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर? हाँ जी।